दियो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। अभी दोपहर के 12 बजे हैं और आज भाई फाइनली हमारी रवानगी है इटली के लिए। फिलहाल भाई तैयारियां चल रही है, सारा सामान पैक कर रहे हैं और रास्ते के लिए खाना पीना वो सारा कुछ तैयार कर लिया है और अब जा रहे हैं भगवान के यहाँ पर, तेजो जी और बालाजी का मंदिर है तो उसमें दर्शन करने के लिए और फिर रवाना होंगे। राकेश भी जा रहा है साथ में, हमारे साथ आया था और मेरी फैमिली आपको पता है साथ में रहती है। तो चलो भाई आपको इटली की जर्नी दिखाते हैं। नाले चला फैमिली इटली कौन जाके चला इटली कौन सा आप भाई कौन दा इन्हीं ले जानी पड़ी। तो चलो जहाँ पा महाराज के जय मो। तो सबसे पहले तो आए भोम्या जी महाराज के। भोम्या जी के दर्शन के बाद अब आए हैं बालाजी महाराज दौरे वाले के। तो सारे महाराज के धोख लगा कर आ गया हूँ और भाई 1 बज गए, 2 बजे की रवानगी है। फिलहाल खाना खा लेते हैं, मिर्च से पूड़ी और लस्सी। मान पे एक तो कल ही कर लिया था। तो भाई दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अब होते हैं रवाना। सामान ने गाड़ी में रख दिया है सारा, 7-8 बैग है। और ये राकेश के पापा, यहाँ से ट्रेन है सुजानगढ़ से और आगे दिल्ली के लिए, दिल्ली से रोम के लिए फ्लाइट, फिर आगे बोलोनिया के लिए। बाकी आपको सारी जर्नी में दिखा दूंगा। कहते हैं कि विदेश जाते कैसा लगता है, बढ़िया लगता है भाई। घर छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ तक आके रखिए। गए हैं अब होते हैं रवाना और 2:40 की ट्रेन है। वहाँ भी कहीं टाइम क्यों 5 मिनट कम है, 2 कम और था कि 2 के बाद ही निकलना। साला गैलेशिया चल अपना भाई दोस्त तो एक गाड़ी वो है उसमें सामान है। ठीक है सा बाय बाय काकू सा। तो 10 मिनट पहले आ गया था तो जीजी को लेकर आया हूँ। ये मेरी छोटी बहन है, इटली रहती है बड़ी, और ये इसकी शादी थी जो वो है लक्ष्मी, भांजी है मेरी। आज तो मन बहुत जना चढ़ाण आया। गांव वाला आन लाण ही लाग रहा चढ़ाण ताई। आओ बाबा जी आओ ट्रेन आ गई। ट्रेन आ गई भाई।
हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से, आ गई सरायरोला के लिए। B2 कट है, ये रहा B2। चलो चलो भाई, सामान रख लिया है। चलो ठीक है, सामान दो कला को सकता है, दो ठीक है। ओके जी वैसा, बाय बाय। चलो ठीक है, जिदो रखी करी आजा, बाय बाय। सागा भाई साहब इतना सामान है, देखो आगे रखो, आगे रखो। हाँ ले मंजू रखो, चार करो भाई। और दिल्ली सरायरोला 10:30 छोड़ेगी, और हमारी प्लेन है 3:30 की। पहले मजा है, गांव आ रहा, थोड़ा दिन और है ना, राकेश के जर्नी कम रही। मैं तो आया था इस साल, दूसरी बार आया हूँ। राकेश की छोटी थी जर्नी, मुझे जी का ठीक हो, गांव में काम करना पड़ा भाई कल। उन्ना ही हुई हाल तो विद्या सर है, रतनगढ़ रे विद्या सर का। घर पे तो खाना खाया नहीं क्योंकि जाते हैं तो थोड़ा मन भारी भारी रहता है, और अब रतनगढ़ आ गया तो अब खाना खा रहे हैं। जैसे ही भाई ट्रेन में बैठे भूख लग गई। दो ये हमारे टब्बर है भाई, आगे कर लिया आपको। ये हमारा ट्रेन का खाना, माँ की पिसी हुई काचरी और पूड़ी। तो दिल्ली के एंड पहुँच गए हैं, 10:30 हो गए हैं, अभी टैक्सी लेकर और एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो भाई 11 बज गए हैं और अभी टैक्सी में बैठ गए हैं, यहाँ से 25 मिनट लगेगी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। ये गेट्स है, यहाँ पर बहुत भीड़ है तो लाइन में लगे हुए हैं। एलेशिया को आ गई नींद, नींद से उठी है। एंट्री गेट पे चेक करवा के और अब आगे एयरपोर्ट के अंदर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंदर से बहुत बड़ा। हमारी फ्लाइट है वो 3:40 रोम, एयर इटालिया EF। अब हम लोग जा रहे हैं EF काउंटर पे, आ गया EF, यहाँ पर होगा हमारा लगेज। तो भाई हमारा लगेज हो गया, और हैंड बैग में सिर्फ ये एक बैग रखी है, एक विंसी की स्कूल बैग है। अब जा रहे हैं ठप्पा लगवाने पासपोर्ट पे, उसके बाद में काम कंप्लीट है, फिर फ्लाइट में बैठेंगे। तो भाई अब जाकर रात के 2 बज गए हैं, सारा काम हुआ है। पहले वो लगेज वाला होता है, उससे पहले इंटर होते हैं तो डॉक्यूमेंट देखते हैं, फिर वो ठप्पा लगता है, फिर सारे शरीर की चेकिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स के सारों की। अब जाके पहले इनके पास बैठना है, तो चलो आज कचौरी खाऊंगी। ये राज कचौरी है ना, नहीं नहीं बड़ो पुचको है ना, बिन भर दियो पूरो। मैं यार बड़ो पुचका क्या करो, राज कचौरी कहीं है। चल भाई आपने तय लेवा की, चल ठीक है। ये राज कचौरी वाली को आधा घंटा हो गया, आगे जा ही नहीं रहा, इसके 2 साल हो गए। हम तो ये बर्गर लेकर आए थे, हमारा भाई एक ही नंबर है, ये राज कचौरी खाएगी। खाना खाया है क्योंकि प्लेन में थोड़ा लेट देते हैं तो बच्चों को भूख लग गई। 10 रुपये में पानी की बोतल मिल गई भाई, एयरपोर्ट के अंदर 10 रुपये में, बाहर ही नहीं मिलती। तो भाई अब जा रहे हैं हम प्लेन में बैठने के लिए, 3:20 हो गए, 3:40 की थी टाइम, 3:40 का था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। धीरे रुक जाए, तो हम पहली बार पहले नंबर पर आए। फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए हैं, विंसी को आ गई नींद, वो नीचे पड़ी उतारने तक क्यों। एलिशा क्या खाएगी, खाना। तो भाई बाहर का टेम्परेचर है वो -55 डिग्री है, और ऊंचाई इसकी 12,192 मीटर, और इसकी स्पीड है वो 888 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये चल रही है।
लगभग सारे लोग सो गए और मैं देख रहा हूँ फिल्म। इंग्लिश में है भाई, हिंदी में एक दो फिल्म थी वो मेरी देखी हुई थी। तो भाई खाना तो पहले ही प्लेन में दे दिया था, अब नाश्ता है सुबह के लगभग 6:30 हो गए, प्लेन एक घंटे बाद लैंड करने वाली है। टिकट पू गया, इडली पू गया, हम आ गया ना बेगर कट है, हम उतर गए हैं और अब हम बस से जाएंगे एयरपोर्ट। भाई इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, इधर रूम में तो ज़बरदस्त ठंड है, गांव में तो रात में पड़ती है, दिन में तो धूप निकलती है ना, इधर तो भाई 2-4 degrees है। बैठ जा चुपचाप। अब मैं डोमेस्टिक फ़्लाइट लेनी है बोलोनिया के लिए, तो यहाँ से बोलोनिया की फ़्लाइट लेनी है, लगभग 1 घंटा लगेगा और 1 घंटा भी बाकी है फ़्लाइट में। तो इधर से जैसे ही उतरते हैं ना तो वाकई बोलोनिया वाली फ़्लाइट लेनी पड़ती है हर बार। तो इटली की राजधानी रोम है, तो हमारे दिल्ली की तरह ये भी राजधानी का एयरपोर्ट है, तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है अंदर से। रोम से बोलोनिया के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट में बैठ गए हैं और इस बार मेरे और अकेश को विंडो सीट मिली है। तो ये छोटी फ़्लाइट होती है, तो 3 उधर, मंजू उधर बैठी है, मैं अकेला इधर, अकेश के पीछे वाली सीट पर बारी आई है। गांव की मैंने बारी के सारे बैठे हैं, देखता था। भाई जेवड़ा कमाई तो घर वाला ना गाँव वालों गट्टो दोनों छुटा दियो। बे घोड़ा रे मैदान आ जाओ भाई, बोली ठंडा है ना, बड़ी नोट लाई 2 साल तो देखी हां, कोई उड़ती देखा बैठने को मौका तो कौन मिले। तो भाई अब लगेज लेना बाकी है, तेरा घर आ लाई हां, एजेंट तेरा आई 6 नंबर पर। चलो भाई लगेज लेवा, पुग्या करे कोनी लगेज, कई बार दोस्तों पीछे रह जाता है लगेज, ये डोमेस्टिक फ्लाइट होती है इनमें, पिछली बार आए थे 2-3 बैग पीछे रह गई थी, इस बार देखो आ जाए तो बढ़िया रहे, मिठाई वगैरह है खराब नहीं हो जा। मान रखने के लिए करेलो है ना सिर्फ इंडिया में फ्री है एयरपोर्ट पे, वहाँ पर 2 यूरो लेते हैं एक करेलो के, कार्ड से पैसे तो कटवा लिए, लगेज आएगा या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि पिछली बार 2-3 बैग नहीं आई थी, 2 ही बैग आई थी, अभी वेट कर रहे हैं सारे लोग। 15 मिनट वेट किया, इतने में लगेज शुरू हो गया पीछे, वही है आज भाई पहली बार हमारा लगेज एकदम टाइम पे आ गया, अब इंतज़ार है तो गाड़ी का, मेरा दोस्त गाड़ी लेके आ रहा है, बाकी सारा लगेज आ गया भाई, बहुत ज़्यादा खुश है। तो भाई घर जाने के लिए दोस्त आ गया, रखते हैं सारा सामान, 10 मिनट फ्री है यहाँ पर पार्किंग। गए अपना घर, सामान उतारा, 1 बज गई, आ गए हम, ना सामान ठीक रख दियो, मैं चला गया था दोस्त के घर गाड़ी लेने के लिए, मेरी गाड़ी उसके घर गया था गांव, तो वहाँ पे छोड़ के गया था, थोड़ा सा मार्केट जाके सामान ले आऊँ वापस, वो कह दूँ घर जचानू पड़ सी, ये आ गया भाई वापस ही हमारा घर। जाए बड़ी की नाली तो। सर्दी तो भाई खतरनाक है, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो भाई पहुंच गए हैं घर और ये थी इंडिया से इटली की जर्नी, कमाल की है भाई। कपड़ा सुखा गया 1.5 महीने पहले, चलो भाई आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय।